दोस्तों दर्शन ग्रीस नलकांडे दूसरे ऐसे इंडियन स्टार क्रिकेटर हैं जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार 4 बॉल में 4 विकेट हासिल किए और फिर आईपीएल 2022 में अपने डेब्यू मैच में ही लगातार 2 बॉल में 2 विकेट लेकर अपनी टीम को जीत में मदद करके गुजरात टाइटंस के नए बॉलिंग सेंसेशन बन गए। दोस्तों ये सारी बातें जानकर मुझे ऐसा लगा दर्शन नलकांडे की स्टोरी आप तक पहुंचानी चाहिए। क्या आप सोच सकते हो जो क्रिकेटर आज मीडियम फास्ट बॉलर है, राइट हैंड बैट्समैन है, जानदार ऑलराउंडर है, शानदार फील्डर है, उन्हें अंडर 19 एशिया कप 2018 के साथ साथ पंजाब किंग्स ने 3 साल तक बेंच पर बैठाए रखा और 2022 में बिना खिलाए ही अपनी टीम से रिलीज कर दिया। शौक मत होना, ये सच है और ये समझते हैं ना कि प्लेयर में दम नहीं होगा तो सॉरी टू से भाई, ये आपका विश्वास भी आज टूटने वाला है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत हुई 4 अक्टूबर 1998 को जब अकोला महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव की मिडिल क्लास फैमिली में दर्शन नलकांडे का जन्म हुआ। जिनके पिता गिरीश और माँ सपना का ड्रीम होता है बेटे दर्शन को पढ़ा लिखा कर एक दिन बड़ा ऑफिसर बनाएंगे, मगर 6 साल की उम्र से ही गली मोहल्ले में टेनिस बॉल से अपने भाई और बहन के साथ क्रिकेट खेलने वाले दर्शन को जब पेरेंट्स ने उन्हें अकोला क्रिकेट क्लब समर ट्रेनिंग कैंप में भेजा तो मानो कांच के टुकड़े से दर्शन नलकांडे अगले 10 साल में चमकने वाला हीरा बन गया, जिसके लिए क्रिकेट मानो जिंदगी का दूसरा नाम बन गया। दर्शन ने 2017 में अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में विदर्भ के लिए 31 विकेट लेकर अपनी टीम को हिस्टोरिकल जीत में मदद करके सिलेक्टर्स को तकड़ा इम्प्रेस किया, जिन्हें अंडर 19 एशिया कप 2018 में सिलेक्ट किया गया, मगर प्लेइंग 11 में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला और फिर दर्शन ने क्रिकेट को अपनी जिंदगी का ट्रेनिंग सेंटर बनाकर 2018 विजय जरे ट्रॉफी में लिस्ट ए और रणजी ट्रॉफी में प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत की, जिन्हें लेजेंडरी राहुल द्रविड़ ने अंडर 19 कोचिंग के दौरान उन्हें राइजिंग स्टार इंडियन क्रिकेटर कहा था। शायद इसीलिए 2019 आईपीएल में पंजाब किंग्स ने उन्हें 30 लाख में खरीद लिया, मगर एक बार फिर उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। अकोला क्रिकेट क्लब समर ट्रेनिंग कैंप में अपनी 6 साल की उम्र से आईपीएल तक का सफर इस क्रिकेटर ने बहुत मेहनत और तगड़ा पसीना बहाकर तय किया था, जिसके बाद दर्शन ने और मेहनत की और 2019 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 2020 क्रिकेट की शुरुआत की, जहां कर्नाटका के विरुद्ध लगातार 4 बॉल में 4 विकेट लेकर सेलेक्टर्स की नजरों में नए सेंसेशन बन गए, जिन्हें पंजाब किंग्स ने उनके 22 2020 मैचों में 43 विकेट की बदौलत उन्हें 2021 में रिटेन कर लिया, मगर बिना अवसर दिए ही उन्हें रिलीज कर दिया। ऐसा इंसिडेंट किसी भी प्लेयर को हिलाकर रख सकता है, लेकिन 2022 आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने उन्हें 20 लाख में खरीद लिया और पंजाब किंग्स के विरुद्ध उन्हें आईपीएल में डेब्यू करने का मौका दिया और फिर इस क्रिकेटर ने लगातार 2 बॉल में 2 विकेट लेकर पंजाब का स्कोरबोर्ड रोक दिया और अपनी टीम को जीत में मदद करके अपने आईपीएल डेब्यू करने की जिद पूरी करने के साथ साथ गुजरात के नए बॉलिंग सेंसेशन बन गए। दोस्तों नाकामयाबी भी एक दिन कामयाबी में बदलती है, पर ये उन्हीं के साथ होता है जो बिना दुनिया की परवाह किए अपने गेम पर फोकस करते हैं। जिंदगी आपको किसी भी रास्ते पर लेके जा रही हो, फिर भी आप अपना बेस्ट देने से कभी पीछे मत हटना और दर्शन की तरह याद रखना, यदि आप अपना बेस्ट करते हैं तो वक्त भी एक दिन आपका इंतजार जरूर करता है। तो दोस्तों ये थे इंडियन स्टार क्रिकेटर दर्शन नलकांडे। अगर आप दर्शन के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।